हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुड इवनिंग। रात के बज रहे हैं 9:15 और यहाँ स्टार्ट हो गए हैं क्राउड इकट्ठा होना और ढोल बजना, बिकॉज़ यहाँ है मेला। तो दो दिन पहले से ढोल बजता है। पहले हमारे नाना नानी के घर पे बजता था, फिर नेक्स्ट डे हमारे घर पे दादा वगैरह बजाते थे, और फिर यहाँ बजता था। लेकिन अब यहीं पर बजाते हैं हमारे जहाँ पे ये बना हुआ ना चबूतरा, यहाँ पर। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेले की शुरुआत। दो दिन का ढोल वगैरह बजने के बाद सब क्राउड इकट्ठा होता है, लड़के आते हैं, जेंट्स सारे इकट्ठे होते हैं, बच्चे भी जाते हैं, लेडीज़ भी चली जाती हैं ढोलियों को पैसे देने, लाइक देते ना बच्चों के ऊपर सवार के दे दिया या कुछ, तो उस तरह से यहाँ सब खड़े हैं। धीरे धीरे सारा क्राउड आ रहा है, तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स में इसको बना रही हूँ, बिकॉज़ अदरवाइज़ वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो होप आप लोगों को हमारे गाँव का ये जो दंगल है ये पसंद आएगा। और यहाँ पर ये बहुत बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना मशहूर और बहुत ही टाइम पुराना है। मतलब 83 की एज में तो मेरे दादू गए थे, तो दादू कहते थे कि हम बचपन से ही ये देखते आ रहे हैं, तो बहुत पुराना है। पीर बाबा और भगवान भोलेनाथ के नाम का दोनों का इकट्ठा यहाँ पे किया जाता है। शिव जी का पूजन होता है और हवन होता है। पीर बाबा को गुड़, रोट, चूरमा, झंडा ये सब चढ़ाया जाता है, और फिर दंगल होता है, और दंगल के लिए पूरा जो मैदान है तैयार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, देखो बच्चे कैसे इकट्ठे होकर देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, बूढ़े भी सब हैं, हम सब भी देख रहे हैं। लेडीज़ इस बार थोड़ा सा कम आई हैं, तो इस गाँव में किसी की डेथ हुई है हमारे मामा जी की, तो इसलिए थोड़ा लेडीज़ कम आई हैं, वरना लेडीज़ भी आती हैं देखने ढोलियों को। तो चलो, मुझे होप है कि आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए साहब ने बनवाया था पापा जी ने, तो उस पे ही करते हैं पीर की छिंच, और ये हमारे दादा परदादा के टाइम से हो रही है। बहुत सारे लोग आगे इकट्ठे हो जाएंगे पूरी रात, ये ढोल सुन के 12 बजे तक बजेगा ये अराउंड, और तैयारियां होंगी सुबह, जैसे मीठा पानी फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी धाम जो होती है हिमाचली धाम, पूरी 6-7 सब्जियां, चावल जैसे कि चना, चने की दाल, माँ की दाल, खट्टा मीठा मदरा यानी कि छोलिया, वाइट चने की सब्जी, और फिर उसके साथ सांभर और राजमा वगैरह या मटर पनीर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी कलेक्शन हुई है मेले के लिए। सो गाइस, देखिए कि स्टार्टिंग हो चुकी है मेले की। सुबह सुबह लोग आ गए हैं, अभी 7 बजे हैं और मैं चाय पी रही हूँ, 7:15 हुए बल्कि। यस, ये है टाइम 6:50 और लोग आना शुरू हो गए हैं, अपनी शॉप्स लगा रहे हैं, और सुबह 7 बजे धूप पड़ने लग जाती है, बिकॉज हमारे घर के सामने जो पहाड़ है वहाँ से डायरेक्ट सूरज देव हमें आशीर्वाद देते हैं। इस वजह से हमने नए कर्टन्स इंस्टॉल किए हैं। इसका वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ ड्यू टू माय बिजीनेस। सबके पास 24 आवर होते हैं, हमारे पास भी 24 आवर है, लेकिन मैं तो पता नहीं कर ही नहीं पाती ना इतना ज़्यादा कुछ भी, बिकॉज बच्चों को भी पढ़ाना होता है और मैं नहीं चाहती कि उनकी पढ़ाई या फिर उनका काम डिस्टर्ब हो, इसलिए मेरे ब्लॉग्स रह जाते हैं कभी कभी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं मैं अपने डेली व्लॉग्स अपलोड कर पाऊँगी होपफुली। और रात की ढोलक सुन करके चीकू भी उसी समय ले आया था ढोलक, और खूब ढोल पीट रहा था घर में ही, और इसने ढोल पीट पीट के फाड़ भी दिया एक साइड से, मतलब एक साइड से छेद कर दिया बजा बजा के। इसको भी खुशी चढ़ी थी बजाने की, वहाँ पे शर्मा रहा था। और ये बच्चे भी सुबह सुबह आ गए इधर उधर के देखने, और सब शॉप्स के सामने धीरे धीरे सब लग जाएंगी, कि कोई मंजियाँ लगाएगा, कोई कहीं दूर से आएगा, बेचारे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आइसक्रीम्स, सॉफ्टीज, वो बादाम वगैरह का वो जो है, हाँ बस झूले नहीं लगते।
जो जगह पीछे दिख रही है यहाँ पे बनाया गया अखाड़ा और ये काफ़ी बड़ा स्पेस है, मतलब अराउंड 3 कनाल के आसपास है। अब स्क्वायर फुट में कितना होता है मुझे पता नहीं, लेकिन 3 कनाल के आसपास है। मेला स्टार्ट हो गया, थोड़ी थोड़ी सी शॉप्स लगी हैं, ज़्यादा नहीं। और ये आ गई टिया आइसक्रीम सॉफ्टीज लेकर पहले ही, और बाकी का जो मेला है क्योंकि काफ़ी लॉन्ग जाने वाला है टाइम, दोपहर को काफ़ी लोग आएंगे, शाम तक जो है दंगल होगा, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा, सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।